हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुरेश के वीडियो चैनल। तो भाई, अगर आप 8-8.5 लाख तक की बजट में एक अच्छी गाड़ी देख रहे हैं, एक प्रीमियम लंबी गाड़ी देख रहे हैं, तो ये वीडियो भाई आपके लिए है। क्योंकि आज हमारे सामने खड़ी है मारुति की ऑल न्यू डिजायर 2023, ठीक है, VXI वेरिएंट है, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और भाई, हर कंपनी का ना एक मास्टर प्रोडक्ट होता है, तो ये मारुति का मास्टर प्रोडक्ट है। लोग इसको नाम से खरीदते हैं भाई, डिजायर को तो नाम से ही बिकती है, ठीक है। अब 2023 में इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बदलाव हुआ है गाड़ी में, माइलेज में क्या फ़र्क हुआ है, इंजन कितना रिफाइंड हुआ है, वो सारी चीज़ें हाँ आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में A to Z सेफ्टी से लेके स्पेसिफिकेशन से लेके पावर सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। गाड़ी के फ्रंट में आप देखेंगे तो वहीं आपको सिंगल बड़ी सी अपर्चुलर ग्रिल मिल जाएगी क्रोम में, जो कि यहाँ पर प्लेस की गई है। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको गाड़ी का लोगो, एंड यहाँ पर ये जो है प्लास्टिक है ना, जो ब्लैक मैट ब्लैक फिनिश में दी हुई है, एकदम अच्छा लुक देती है गाड़ी को। और आप देखेंगे भाई हेडलैम्प्स, तो यहाँ पर वही हाइलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे इंडिकेटर के साथ में। अंदर आपको छोटी छोटी डिटेलिंग मिलेगी, जो कि लगेगा कि क्रोम में है। और नीचे आप देखेंगे तो फॉग लैम्प, लेकिन ये VXI वेरिएंट में ना कस्टमर ने कंपनी से ही फिट करवाए हैं, ये गाड़ी के साथ में नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम वर्क मिल जाएगा, जो कि इसमें इनबिल्ट आता है। एंड अब अगर बात करें भाई साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आप ना इसकी लंबाई देख लीजिए भाई। वैसे ही इसको सस्ती सेडान नहीं कहते हैं, अच्छी खासी लंबाई है भाई, लगभग 3995 mm की लेंथ आपको मिल जाती है ओवरऑल। अब लेंथ ज़्यादा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई गाड़ी में आपको अच्छा लेग रूम मिलेगा। व्हील बेस की अगर बात करूँ मैं, 2450 mm का, ठीक है, जो कि अच्छा खासा व्हील बेस है। और भाई अगर हाइट आप देखोगे इसकी, तो 1515 mm की आपको इसको हाइट मिलेगी। और अगर आप इसकी हाइट देखोगे तो 1515 mm की आपको इसमें हाइट मिलेगी। एक बार हम देख लेते हैं इसकी विड्थ, तो विड्थ अगर आप इस देखोगे तो 1735 mm की आपको इसमें विड्थ मिलेगी। बिना किसी देरी की भाई बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो इंटीरियर में जाने से पहले आप देखिए, यहाँ पर टायर साइज LXI VXI में आपको इसमें 14 इंच का टायर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 165/18R14, ठीक है, ब्लैक स्टील व्हील आपको इसमें ऑफर किए गए हैं। एंड ORVM जो इसमें आपको मिलेंगे, वो LED टर्न इंडिकेटर के साथ मिलेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों हैं। भाई अब बात करें एंट्री में जाने से पहले एक बार चाबी की, तो इसमें आपको कुछ वही पुराने अंदाज की चाबी मिलेगी, जिसमें लॉक अनलॉक का बटन होगा, रिमोट कीलेस एंट्री है, और वही स्टाइलिश डोर हैंडल्स, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हम भाई ट्रिम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फैब्रिक का सॉफ्ट टच, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर चार विंडो के कंट्रोल्स हैं, ड्राइवर साइड पावर विंडो जो है वो ऑटो डाउन फंक्शन के साथ है, लॉक अनलॉक का बटन है, यहाँ पर ORVM को एडजस्ट एंड फोल्ड करने का बटन है। अनलॉक डोर हैंडल जो है वो आपको क्रोम में ऑफर किया जाएगा। एंड नीचे आप देखेंगे तो आपको चारों ट्रिम में बॉटल होल्डर मिलेंगे, एंड चारों ट्रिम में चारों स्पीकर्स आपको ऑफर किए गए हैं VXI वेरिएंट के अंदर, 1, 2, 3, 4। एंड आप इंटीरियर एक बार देखोगे ना, तो इंटीरियर जो है वो आपका दिल जीत लेता है भाई, डुअल टोन इंटीरियर है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। एंड सीट्स देखेंगे आप, तो सीट्स भी आपको फैब्रिक में मिलेंगी, जिसमें अच्छे ब्लॉस्टर्स हैं और अंदर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छी है। ड्राइवर साइड सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको इसमें ऑफर की गई है। एंड स्टीयरिंग व्हील पे आप अगर आप एक बार नज़र मारेंगे ना, तो उसके लिए हम बात करते हैं बैठ के गाड़ी में। यहाँ पर हम भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं, एंड स्टीयरिंग आप देखेंगे तो स्टीयरिंग पर आपको स्ट्रिंग माउंटेड ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल मिलेगा। और उसके अलावा एक बार स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको दिखाऊं, तो इसमें आपको टिल्ट ऑफर किया गया है भाई। एंड सामने आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्लस्टर, यहाँ पर RPM मीटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, बीच में है MID, जो कि मल्टीपल कलर TFT के साथ है, जिसमें आपको बहुत सारे अलर्ट्स वगैरह दिखाई देते हैं। अब एक बार मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लगाएंगे चाबी, एंड जैसे हमने उसको घुमाया तो यहाँ पर क्लस्टर हो चुका है ऑन, ठीक है। यहाँ पर MID में आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं, रेंज देख सकते हैं, ट्रिप सेट कर सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, एंड मैनी मोर, बहुत सारे कंट्रोल्स अलर्ट्स आपको इसमें सब देखने को मिलेंगे। एंड अगर बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें आपको फेदर टच म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको मैनुअल बटन नहीं मिलेंगे, मतलब है टच में तो ये फेदर टच है। AC मिलेगी आपको इसमें मैनुअली, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको SSD सॉकेट मिलेगा 12 वोल्ट का, यहाँ पर फ़ोन या वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर बोल्टर होल्डर्स हैं। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, VXI वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक में भी मिल जाता है। AC की बात हो गई, सेंटर कंसोल की बात हो गई, यहाँ पर आप देखेंगे तो डैशबोर्ड पर आपको वुडन फिनिश का यूज़ किया हुआ मिल जाएगा, जो कि भाई एकदम प्रीमियम फील देता है डैशबोर्ड को। और यहाँ पर ये जो AC के वेंट्स है ना ऊपर वाले, यहाँ पर एक सिल्वर सार्टन फिनिश का यूज़ किया हुआ है, जो कि प्रीमियम फील देता है। गाड़ी में डुअल एयरबैग का सेटअप आता है, एक ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पे एंड एक को ड्राइवर साइड पे, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाएगा, जो कि हर गाड़ी में आता ही आता है। एंड उसके अलावा डे नाइट IRVM आपको इसमें ऑफर किया गया है। और यहाँ पर अगर आप ड्राइवर साइड सनवाइजर देखेंगे, तो टिकट होल्डर के साथ, को ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर के साथ है, बहुत अच्छा। एंड यहाँ पर लाइट्स और यहाँ पर माइक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा फ्रंट की बात हो गई,
अब फ्रंट में ना एक बार हम सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि इससे पता चलेगा कि भाई गाड़ी में पीछे स्पेस कितना है। तो यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा और आगे होऊंगा, मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो मैंने अपने हिसाब से ना एडजस्ट की हुई है सीट भी, ठीक है। तो मेरे जो पैर हैं वो ब्रेक तक एक्सलेटर तक अच्छे से पहुँच रहे हैं। अब देखेंगे कि पीछे कितना स्पेस है, तो एक बार चलते हैं पीछे और चेक करते हैं। इसको किया अनलॉक एंड इसको हम खोलेंगे, ठीक है। और एक बार अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, VXI वेरिएंट में आपको जो B प्लर है ना वही ब्लैक मिलेगा, A प्लर और C प्लर ब्लैक नहीं है, केवल B प्लर ब्लैक है। एंड यहाँ पर आप रियर ट्रिम देखेंगे तो यहाँ पर सॉफ्ट टच नहीं है, ठीक है, उसके लिए सॉरी, बट ये इसमें देना चाहिए था, अगर इसमें भी होता तो अच्छा होता, क्योंकि आगे से तो प्रीमियम फील है लेकिन पीछे वही हार्ड प्लास्टिक, वही डुअल टोन का कॉम्बिनेशन है। एंड यहाँ पर भी पावर विंडो का कंट्रोल है। एंड हम मेन मुद्दे की बात की भाई सीट्स की, अब आप देखिए कितना स्पेस चाहिए भाई गाड़ी में, वैसे ही सेडान में स्पेस होता ना, तो वो चीज़ इसमें आपको देखने को मिल रही है। अपने हिसाब से सीट मैंने आगे की हुई थी तो पूरा स्पेस है भाई, अगर मैं इस तरीके से पैर फैला के भी लेटूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर रियर एसी बैंड्स आपको इस वेरियंट में ऑफर किया गया है, और यहाँ पर 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट है भाई, पीछे वाले भी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर डुअल केबिन लैंप है, एक वो फ्रंट में और एक ये रियर पैसेंजर्स के लिए दे हुआ है। असिस्ट ग्रिप सभी पैसेंजर्स के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड उसके अलावा डिजायर में आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट रियर पैसेंजर्स के लिए, ठीक है, इसको आप खोलेंगे तो ये निकल आएगा, इसमें कप होल्डर के साथ आता है। एंड यहाँ पर आपको चारों सीट्स में इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए हुए हैं जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ पर आपको दिया गया है चाइल्ड सीट एंकर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने चाइल्ड को इजीली यहाँ पर सेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। और भाई आप चलते हैं गाड़ी का रियर में, ठीक है, तो रियर प्रोफाइल में आपको दिखाऊं, बस थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड है तो इसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप रियर टेल लैंप्स देखेंगे तो वही प्रीमियम स्टाइल में टेल लैंप दिए हुए हैं, यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर रिवर्स लैंप और यहाँ पर रिफ्लेक्टर, यही पूरी की पूरी क्रोम की बैजिंग आपको बैक डिग्गी पे मिल जाती है। एक बार बूट है ओपन कर लेते हैं तो इसका बूट मैं आपको दिखाऊं। ओहो ये बड़ा दिक्कत होती है भाई रिव्यू करते टाइम, इसको किया हमने अनलॉक, अब करते हैं बूट ओपन। ये तो भाई यहाँ आपको मिल जाएगा 378 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, काफ़ी ज़्यादा लगेज कैरी कर सकती है गाड़ी। नीचे स्पेयर व्हील रखने का जगह दी हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया हुआ है, वहाँ पर ऊपर एंटीना हो गया, और भाई पीछे हो गई बड़ी सी विंडशील्ड, एंड आपको पीछे मिल जाएंगे 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर के। तो ये हो गई भाई बात गाड़ी के बूट स्पेस की, सारी चीज़ें आपने देख ली, साइड प्रोफाइल देख लिया भाई, फ्रंट की बात हो गई, इंटीरियर की बात हो गई, रियर की बात हो गई, सीट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं भाई सेफ्टी की, गाड़ी में सेफ्टी क्या है। तो गाड़ी में बहुत सारे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे आपका ABS है, EBD है, हिल्ड होल्ड असिस्ट है, ब्रेक असिस्ट है, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पार्किंग सेंसर्स है। एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करूँ तो इसमें आपको एयरबैग्स मिलेंगे, सीट बेल्ट प्री टेंशन फोर्स लिमिटर वो आपको इसमें मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको इसमें मिलेगा। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात हो गई, अब एक बार मैं आपको इसका इंजन चेक करवा देता हूँ कि भाई इंजन में क्या बदलाव किया गया है, कितनी पावर देता है और देखने में कैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे बोनट को ओपन। ये भाई तो इसमें आपको मिलेगा 1.2 लीटर का K सीरीज़ का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 66 किलोवाट की पावर देता है 6000 RPM पे, और भाई 113 Nm का टॉर्क देता है। माइलेज की अगर बात करूँ तो लगभग 24 की एवरेज आपको ये निकाल के देता है। इधर ABS EBD की यूनिट हो गई, और बहुत ही इंजन पहले से रिफाइंड है, साइलेंट है, अच्छी पावर परफॉर्मेंस देता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ भाई इस गाड़ी की जो कॉस्ट रखी गई है ना एक्सशोरूम कीमत, वो 7,37,000 रुपये, ऑन रोड आपको करीब करीब ये गाड़ी लगभग 8.5 लाख रुपये के अराउंड पड़ जाती है। कहाँ पर? आकांक्षा ऑटोमोबाइल रामपुर में। ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर को कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।